चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ अक्सर अपने कड़क अंदाज के लिए चर्चाओं में रहते हैं। इसके अलावा अपने फैसलों के लिए भी वो जाने जाते हैं, लेकिन अब उनका अलग अंदाज देखने को मिला है। किसके लिए और क्यों, चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइन आज सुप्रीम कोर्ट में कुक अजय कुमार सावल की बेटी प्रज्ञा पर एकदम फिट बैठ रही है, जिन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी भावुक हो गए और प्रज्ञा को सम्मानित किया है। प्रज्ञा को उनकी प्रतिभा ने अपने बल पर LLM के लिए अमेरिका की 3 मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल की है। बता दें प्रज्ञा के पिता सुप्रीम कोर्ट में कुक अजय कुमार हैं और माँ हाउस वाइफ है, और प्रज्ञा अभी सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस थिंक टैंक सेंटर के साथ एक कानून शोधकर्ता के रूप में जुड़ी हुई है। उनकी इस उपलब्धि पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भावुक होते हुए उनकी सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। इतना ही नहीं, सीजेआई चंद्रचूड़ को जब इस बारे में पता चला तो सबसे पहले उन्होंने अपने साथी जजों से इसके बारे में चर्चा की और उसके बाद तय किया कि प्रज्ञा को सम्मानित किया जाए। प्रज्ञा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। प्रज्ञा ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, मुझे बस इतना बताया गया कि मैं अपने माता पिता के साथ हूँ। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश मुझसे मिलना चाहते हैं। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे बहुत हैरानी हुई, पूरे गलियारे में सभी जज मौजूद थे, सिर्फ मुख्य न्यायाधीश ही नहीं बल्कि सभी जज वहां थे। आगे प्रज्ञा ने कहा, मुख्य न्यायाधीश ने मेरे माता पिता को सम्मानित किया और मुझे 3 किताबें दी जिनमें से एक पर सभी जजों के सिग्नेचर थे। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी और मैं सचमुच गौरवान्वित महसूस कर रही थी। सभी ने मुझे बधाई दी और पूछा कि मैं कौन सी लॉ स्कूल चुनूंगी। बता दें बुधवार की कार्रवाई शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जज लाउंज में जुटे और खड़े होकर प्रज्ञा का अभिनंदन किया। सीजेआई ने प्रज्ञा के साथ साथ उनके माता पिता को सम्मान में शॉल भी पहनाई और प्रज्ञा को भारतीय संविधान पर सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश की ओर से साइन की गई 3 किताबें दी गई। वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ ने भावुक होते हुए कहा, बिटिया ने साबित कर दिया है कि आपके पास कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो मंजिल पर पहुंचने के लिए संसाधन और सुविधाएं मिलती चली जाती हैं। आगे उन्होंने कहा, ये न केवल सरकार की बल्कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि हर बच्चा जो उच्च अध्ययन करना चाहता है या खेल में उत्कृष्टता हासिल करना चाहता है अपने सपने हासिल करे। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।